Hello everyone and welcome to Code with Leah, and this is the 8th part of important question series of C programming. And the question for today is that you have to write a program to swap two numbers without using any third variable. इसका मतलब क्या है कि अगर a की वैल्यू आपके पास 8 है एंड b की वैल्यू अगर आपके पास 6 है, सो आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 6 हो जानी चाहिए और b की वैल्यू 8 हो जानी चाहिए. But we have to do this without using any third variable. When I taught you about the pointers last lecture के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि अगर हमें swap करना है two numbers को using third variable, तो हम कैसे करते हैं? हम एक third variable बनाते हैं, for example it be 10. उसके अंदर हम a की value डालते हैं, a के अंदर हम b की value डालते हैं, b के अंदर हम a की value डालते हैं. कुछ इस तरीके से करते हैं. But अब क्या करना है, हमें 10 को use नहीं करना है, without using 10 हमको करना है. सो इसको करने के लिए दो तरीके होते हैं. देयर आर टू वेज टू डू दिस. सबसे पहला तरीका होता है कि हम यूज करेंगे कुछ और ऑपरेटर्स, दैट इज हम यूज करेंगे प्लस एंड माइनस को यूज करेंगे. एंड द सेकंड वे इज कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवाइड को यूज करेंगे. हम दोनों मेथड से करके देखते हैं एंड देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो फ्लक्चुएट होता है या फिर सेम आता है. सो द वेरी फर्स्ट विल बी दिस. तो इसमें हमको क्या लॉजिक लगाना होता है, इसकी जगह पे हमको लिखना होता है अगर a एंड b ले रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, b इज इक्वल टू a माइनस b एंड a इज इक्वल टू a माइनस b. ये तीन लाइनों के अंदर हमारा पूरा स्वैप फंक्शन हो जाता है, स्वैपिंग हो जाती है, ठीक है. अब ये होती कैसे है ये भी देख लेते हैं. a की वैल्यू हमने ली 8 एंड b की वैल्यू हमने ली 6. तो अगर हम इसको थोड़ा सा यहीं पर ड्राई रन करके समझेंगे, a विल बी इक्वल टू a दैट इज 8 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 14, ठीक. सेकेंडली b इज इक्वल टू करेंगे a माइनस b, तो a की प्रीवियस वैल्यू दैट इज 14 माइनस करेंगे b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 6. तो 14 में से जब 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 8, ठीक है. एंड देन अगेन थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, हमने a माइनस b किया. a की वैल्यू क्या है अभी 14 है, माइनस करेंगे b की वैल्यू क्या हो चुकी है 8 हो चुकी है. तो जब इसको माइनस करेंगे वी विल गेट 6. तो हमारी जो फाइनल वैल्यूज निकल कर आती है वो जाती है दैट a इज इक्वल टू 6 b इज इक्वल टू 8. एंड प्रीवियसली हमारी क्या वैल्यूज थी कि a तो था हमारा 8 एंड b की वैल्यू थी 6. तो यहाँ पर क्या हुई है, स्वैपिंग हो गई है. तो अब एक बार इसको कंपाइलर पे भी करके देख लेते हैं. सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h int main, ठीक है. यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स को बनाते हैं x कॉमा y, ठीक है. प्रिंट एफ कर देंगे सबसे पहले, प्रिंट एफ ओरिजिनल वैल्यूज आर x इज इक्वल्स टू परसेंटेज d एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देखकर y इज इक्वल्स टू परसेंटेज d कर देंगे एंड फिर यहाँ पे कर देंगे x कॉमा y. तो यहाँ पर तो क्या होगा, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज है वही आएंगी. सबसे पहले हमें इनपुट ले लेते हैं यूजर से, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ x. स्कैन एफ कर देंगे अपन, परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है. इसी को कॉपी पेस्ट करके हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे. यहाँ पे कर देंगे वाई एंड यहाँ पे भी कर देंगे वाई. ये यहाँ तक हो गया. अब हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे. अब या तो हम अपना लॉजिक यहीं पे लिख सकते हैं इंट मेन के अंदर ही, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अलग से फंक्शन बना के कर सकते हैं. मैंने आपको बोला था कि अगर हम नई नई चीजें सीखते जा रहे हैं तो उसको हमको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए. तो अब हम जितने भी प्रोग्राम्स करने वाले हैं वो फंक्शन को यूज करके करेंगे, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है. दो आर्ग्यूमेंट्स हमने लिख लिए एंड यहाँ पर इसको डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, वाई स्वैप इंट एक्स कॉमा इंट वाई.
ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पे हमने ए बी लिया है, वहां पे हमने एक्स वाई लिया है, बोथ आर सेम। सबसे पहले कर लेंगे दैट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये कर देंगे। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, अपने स्वैप फंक्शन को कॉल कर देंगे, ये फंक्शन को कॉल कर देंगे। एंड यहाँ पे क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। हमें फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू से कर रहे हैं। कॉल बाय वैल्यू से सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्स एंड वाई की वैल्यूज चेंज होंगी। अगर हम उसको इंट मेन में प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास सेम वैल्यूज ही प्रिंट हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हो कि वैल्यूज शुड डिफर, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कॉल बाय रेफरेंस को यूज कर सकते हो, स्वैप्ड वैल्यूज और एक्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, स्पेस देंगे एक्स इज इक्वल्स वाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा एक्स एंड वाई। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड लेट्स सी वेदर इट्स वर्किंग इन द करेक्ट वे और नॉट। यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं, एक्स की 5 है, एक्स की 6 एंटर कर लेते हैं एंड वाई की हम 8 एंटर कर लेते हैं। नाउ ओरिजिनल वैल्यूज इज 6, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 8 है। स्वैप्ड वैल्यूज के अंदर एक्स की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास 8 एंड वाई की वैल्यू हो चुकी है 6। सो इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे क्या है हमारे पास, कि हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं या फिर डिविजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ही करेंगे, बस यहाँ पर हम ऑपरेटर चेंज कर रहे हैं। क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी फर्स्ट लाइन, सेकेंड में लिखेंगे दैट ए इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं दैट ए इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करा, हमने प्लस को एक्सचेंज कर दिया विथ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर एंड माइनस को हमने डिवाइड ऑपरेटर के साथ इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं एक बार, ए की वैल्यू को हम ले लेते हैं अब 10, बी की वैल्यू को ले लेते हैं 20। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जब फर्स्ट लाइन के अंदर करेंगे दैट वुड बी ए मल्टीप्लाइड बाय बी दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट विल कम आउट टू बी 200। नेक्स्ट इज ए डिवाइडेड बाय बी, ए की वैल्यू क्या हो चुकी है 200। 200 को जब हम b की वैल्यू दैट इज 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, नाउ b इज इक्वल्स टू, सॉरी a इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, a की वैल्यू हमारे पास 200 एंड b की क्या वैल्यू हो चुकी है अभी 10 हो चुकी है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 20। तो हमारे पास अब a की वैल्यू आ चुकी है 20 एंड b की वैल्यू आ चुकी है 10, जो कि प्रीवियसली a की वैल्यू 10 थी अब वो 20 हो चुकी है, बी की वैल्यू 20 से 10 हो चुकी है। इसको भी हम एक बार यहीं पर करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बस ये ऑपरेटर्स को ही चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे एक बार, ठीक है, बाकी पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम ही रहेगा हमारा। तो x की वैल्यू दे देते 10 एंड y की वैल्यू 20 दे देते हैं। यस, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट लाइन के अंदर शो होगा तो थोड़ा सा क्लियरली विजिबल रहेगा। ये x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 20। यस, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, एक्स की 10 थी, वाई की 20 थी। नाउ स्वैप वैल्यूज क्या हो चुकी है, एक्स की 20 हो चुकी है, वाई की 10 हो चुकी है। सो ये दो तरीके होते हैं, टोटल इन 3 तरीके होते हैं स्वैप फंक्शन को, स्वैप प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। बट अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ही कर दिया है दैट यू डोंट हैव टू यूज एनी थर्ड वेरिएबल, सो दीज आर द टू मोस्ट कॉमन मोस्ट इजिएस्ट वेज जिससे आप अपना प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, नाउ मैंने आपको ये प्रोग्राम करवाया है थ्रू कॉल बाय वैल्यू, इससे कराया मैंने आपको कॉल बाय वैल्यू से कराया। आपको किससे करके देखना है, कॉल बाय रेफरेंस से करके देखना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है ये आपके लिए, दैट यू हैव टू डू दिस सेम प्रोग्राम
बाय कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो बढ़ेगी, एंड ये भी पता चलेगा कि आपको कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में कितना अच्छा सा समझ में आया है। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।